आई एम गोइंग टू डिस्कस थ्री डिफरेंट क्वेश्चंस। बच्चों, जैसे अगर आपसे मैं बात करता हूं कि कोई फंक्शन अगर 1-1 है, तो 1-1 का मतलब क्या हुआ कि वो फंक्शन जो है एक का एक से कनेक्शन हो रहा है। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि अगर कोई फंक्शन आपका 1-1 नहीं है, तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा, मैनी वन होगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब है वो फंक्शन क्या होगा, आपका इन टू होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस ये तीन क्वेश्चंस को मैंने लिया है। ये तीनों ही क्वेश्चंस जो हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको समझाने से पहले आपको मैं बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, क्वेश्चन को पहले समझना है और उसके बाद हमें अपनी अप्रोच लगाना है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। शो दैट एफ मैपिंग एन टू एन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ऑड। अब की बार फंक्शन को उन लोगों ने आपको सीधा सीधा ना देकर के दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, एक ऑड और एक इवन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ऑड, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन इफ एक्स इज इवन। और आपको पता है कि जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है और जो इसका को डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है। यानी कि अगर हम इनपुट करेंगे नेचुरल नंबर को, तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा, वो नेचुरल नंबर ही आएगा। और आपको शो करना है कि इज बोथ 1-1 ऑन टू। तो देखते हैं ध्यान से, जैसे लिखते हैं हेयर एफ मैपिंग एन टू एन इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स इज ऑट। जैसे लिखा हुआ है मैंने वैसे ही लिखा है फंक्शन, जिस तरीके से आपको लिखना सिखाया है बिल्कुल वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूं। अब यहां पर बच्चों, ये जो मैंने अभी आपको लिखा है, ये आपको पता है कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेकर के सर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू दिखाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, इसीलिए मैंने ये तीनों क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले समझाया जाए कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्योंकि यहां पर दो केस हैं, तो पहले ये समझा जाए कि इस जो मैंने ये मैं काम आपको समझाता हूं कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेकर के एक्स वन इक्वल टू एक्स टू करेंगे, बात सही है, उससे हम लोग दिखा देंगे। इससे पहले मैं आपको एक अप्रोच आपको समझनी होगी कि ये 1-1 क्यों है और ये आपका 1-1 क्यों नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझा रहा हूं अभी। इसके लिए ये मैंने एक ये वाला हिस्सा जो है डोमेन का है और ये हिस्सा को डोमेन का है। डोमेन क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। यहां पे नेचुरल नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और ऐसे ही आप अपनी को डोमेन को लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप x में 1 रखते हैं, 1 का मतलब ऑड नंबर, तो आपका आंसर क्या आता है, 2 आता है। यानी 1 रखने पर क्या आ रहा है, आंसर 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है आपका। 1 रखने पर क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। अब आपने 2 रखा यानी इवन नंबर रखा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 माइनस 1 यानी 1 आएगा, यानी 2 रखने पर 1 आ रहा है। यानी कि कोई भी नंबर रखने पर एक दूसरे के ऊपर कोई क्या कहते हैं, मैनी वन कंडीशन नहीं आ रही है। 1 रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 1 आया। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप रखते हैं 3, तो 3 प्लस 1 क्या होगा, 4 होगा। तो यहां पर 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि कोई भी आप 1 से 1 की तरफ ही जा रहे हैं, मतलब अगर आपने 1-1 हो रहा है, कोई भी केस ऐसा नहीं है कि मैनी वन हो रहा है। तो यहां पर आप सबसे पहले जब कभी भी इस टाइप के, ये तीनों क्वेश्चन ही मैंने इसीलिए एक साथ लिखे हैं, आप सबसे पहले एक बार ये जरूर देख लीजिएगा कि इसमें जो फंक्शन है उसका जो बिहेव है वो किस तरीके का है, वो फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है।
तो मैंने ये देखा कि वन रखने पर टू आ रहा है, टू रखने पर वन आ रहा है, यानी कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि वन रखने पर भी टू आ जा रहा है और टू रखने पर भी वन आ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि वन वन वो फंक्शन है जो आपके मेनी वन नहीं है। ये आप बात समझिए, अगर कोई फंक्शन आपका वन वन है तो इसका मतलब है कि वो मेनी वन नहीं है, और अगर कोई फंक्शन आपका ऑन टू है तो इसका मतलब है वो इन टू नहीं है। इस अप्रोच को समझाने के लिए ही मैंने ये तीनों क्वेश्चंस एक साथ लिखे हैं। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि कोई भी चीज आपकी यहां पर गलत नहीं हो रही है। वन रखा टू आया, टू रखा वन आया, थ्री रखा फोर आया, फोर रखा थ्री आया, तो यानी बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये आपका वन वन की तरह ही फंक्शन बिहेव कर रहा है। अब अगर वन वन आपको मैंने इस तरीके से भी समझा दिया, इसीलिए पहले मैंने आपको थोड़ा इस फंक्शन का जो बिहेवियर है वो आपको समझाने की कोशिश की, समझा दिया। अब आपको पता है कि x1 अगर इवन है और x2 अगर इवन है, x1 इवन है तो आपको पता है कि ये क्या लिख देंगे, x1 माइनस वन इक्वल टू x2 माइनस वन, x1 इक्वल टू x2 आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से इफ x1 इज ऑड x2 इज ऑड, यहां पर x1 ऑड है तो मैंने x1 प्लस वन लिखा है और x2 प्लस वन लिखा है और सॉल्व करके x1 इक्वल टू x2 निकाल लिया है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की है कि अगर x1 इवन है और x2 ऑड है तो आप जब करेंगे तो आप देखेंगे कि इनका जो डिफरेंस आ रहा है ये तो इवन नंबर आ रहा है, लेकिन अगर आप किसी भी ऑड नंबर को इवन, जैसे मान लीजिए कोई ऑड नंबर है 9 और मान लीजिए कोई आपका इवन नंबर है 8, तो जब आप डिफरेंस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो ये तो इवन आ रहा है, ये ऑड आ रहा है, तो यानी कि ये वाला केस जो है ये आपका अराइज नहीं होगा यहां पर। यानी कि अगर अगर एक इवन है तो दूसरा नंबर ऑड नहीं होगा, या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे, जो भी आप क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं वैल्यू। बिल्कुल ऐसे ही केस फोर में भी इफ एक्स वन इज ऑड एक्स टू इज इवन, तो यहां पर भी ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो केस फोर डज नॉट अराइज। तो यहां से आपने देखा कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, हेंस एफ इज वन वन। लेकिन मैंने आपको इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैंने आपसे कहा कि आप इस फंक्शन का जो बिहेवियर है वो आप इस टाइप से एक रफ वर्क करके देख लीजिए कि हाँ ये वाकई वन वन की तरह अप्रोच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब कुछ बच्चे मुझसे कहेंगे सर आपने बाकी क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं किया था। मैंने इस क्वेश्चन में इसलिए ऐसा किया क्योंकि यहां पर दो दो केस हैं। तो पहले मैंने क्या काम किया, अभी इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसमें सब में सिंगल क्वेश्चन है, उसमें फंक्शन जो है उसमें फंक्शन में दो केस नहीं है। तो अगर कोई दो केस क्वेश्चन, अगर दो केस आ रहे हैं तो एक बार जरूर चेक करके देखें कि उस फंक्शन का जो बिहेवियर है वो किस तरीके का है। मैंने यहां से देख लिया कि यहां पर वन वन ही आएगा, मैनी वन नहीं आएगा। तो मैंने फिर आपको जब पहले आपको यहां समझा दिया और उसके बाद फिर मैंने आपको बता दिया कि कैसे लिखना है एग्जाम में, ये मैंने आपको लिख के यहां समझा दिया। अब आपको क्या दिखाना है, ऑन टू दिखाना है। तो ऑन टू के लिए मैं क्या क्या काम करता हूं, लेट वाई बिलोंग्स टू दिस कोडोमेन, वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, ये कोडोमेन है एन, देयर एग्जिस्ट। अब आपको पता है कि मैं वहां पे क्या काम करता था, x की वैल्यू निकालता था, x इक्वल टू समझ लीजिए y लिखा हुआ है तो x इक्वल टू y माइनस वन। अब अगर x ऑड है तो y माइनस वन क्या होगा भाई, x अगर ऑड है तो y माइनस वन भी ऑड होना चाहिए, तो यानी y क्या होगा, इवन होगा, y मस्ट बी इवन। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर x ऑड है तो y माइनस वन ऑड होगा, लेकिन y माइनस वन ऑड तभी होगा जब y आपका इवन होगा। तो मैंने यहां पर आपको ढंग से समझा भी दिया है। तो आपने देखा कि यहां पर जो भी वैल्यूज आ रही हैं ये एग्जिस्ट हो रही हैं, बिलोंग्स टू n, यानी कि यहां पे पक्का हो गया है कि अगर अगर y जो है आपका इवन नंबर है तो आपका जो x होगा वो भी आपका नेचुरल नंबर ही आएगा। अब आपको पता है मैं क्या करता हूं, fx इक्वल टू y दिखाने की कोशिश करता हूं, तो सच दैट fx, x की वैल्यू मैंने पहले y माइनस वन लिखी। मैंने अभी आपको समझाया कि y माइनस वन, y माइनस वन क्या है, अगर y इवन है तो y माइनस वन ऑड होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर अब यहां f ब्रैकेट में ऑड लिखा है, अगर ऑड है अगर तो आपका फंक्शन क्या है, x प्लस वन है, यानी यहां फंक्शन प्लस वन कर दिया और y आ गया। बिल्कुल ऐसे ही मैंने दूसरा केस समझाया आपको, यहां पर क्या है, y प्लस वन है और y क्या है, ऑड है,
तो ये y प्लस वन क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इवन हो जाएगा। अब अगर इवन है तो इसका फंक्शन क्या है, x माइनस वन है, तो x माइनस वन लिखा, सॉल्व करके आपने देखा दोनों केसों में ये y आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन आपका वन वन है और ऑन टू है। इस क्वेश्चन को समझाने का पर्पस केवल यही था कि एक बार आप क्या काम करिएगा, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, ये तीनों ही क्वेश्चन मैंने इसलिए एक साथ लिखे हैं, आप पहले ये देख लीजिएगा कि ये नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का जो बिहेवियर है, जो इस फंक्शन का बिहेवियर है, वो वन टू वन वन की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तभी आप इस स्टेप्स को लिखिएगा, ये यहां से वन टू थ्री फोर के बारे में लिखिएगा, ठीक है। अब आप जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर टू देखिए आप लोग। अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम वैसा ही है, सेम तो है लेकिन थोड़ा अलग है। शो दैट एफ मैपिंग होल नंबर टू होल नंबर, वहां पे क्या था, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स इज इवन, यहां पर क्या था इफ एक्स इज ऑड, यहां पे क्या है इफ एक्स इज इवन। क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, ये नहीं कि जल्दबाजी में आपने, कुछ बच्चे अगर क्या कहते कॉपी करते हैं तो वो ये भी नहीं देख पाते कि कौन सा कॉपी करना है, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से काम करना है। इस बाइजेक्टिव, आपको बाइजेक्टिव दिखाना है, यानी कि वन वन ऑन टू दिखाना है। तो मैंने आपसे अभी कहा कि अगर आपको ये क्वेश्चन को देखना है तो पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये फंक्शन जो है किस तरीके से बिहेव कर रहा है। वन वन अगर नहीं है तो मैनी वन की तरह काम कर रहा है, या मैनी वन है तो वन वन की तरह काम नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए क्या काम करिए आप, अब यहां पर क्या आ गया होल नंबर आ गया, तो आप क्या काम करिए इसमें एक और एलिमेंट बढ़ा लीजिए, यहां पर एक जीरो और इधर बढ़ा लीजिए और यहां भी एक जीरो और बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब मैं ये वाले इरेज कर दे रहा हूं, अब आपको फिर से समझाऊंगा कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन किस तरीके से बिहेव करेगा। अब देखिए ध्यान से, मैंने रखा जीरो, जीरो इज इवन नंबर, अगर जीरो रखा तो क्या आ रहा है वन आ रहा है, यानी जीरो रखने पे क्या आया आपका वन आया। अब आपने वन रखा, वन क्या है विच इज ऑड, तो वन माइनस वन क्या हो गया जीरो हो गया, तो वन रखने पर क्या आ रहा है आपका जीरो आ रहा है। ऐसे ही आपने टू रखा, टू क्या है इवन है, टू प्लस वन किया तो क्या आया आपका थ्री आया, लेकिन अगर आपने थ्री रखा तो क्या आया थ्री माइनस वन टू आया। तो यहां पर भी बिल्कुल सही फंक्शन की काम कर रहा है, बिल्कुल वन वन की तरह ही काम कर रहा है फंक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पहले आप जरा एक बार ये चेक कर लीजिए कि ये फंक्शन जो है किस तरीके का बिहेव कर रहा है। तो इसके लिए पहले आप लोग एक इस टाइप से बना के देख लीजिएगा रफ में, ये क्वेश्चन मुश्किल से एक या दो मार्क का आएगा, तो पहले आप लोग ये रफ में बना के देख लीजिएगा कि फंक्शन का जो बिहेव है वो वन वन की तरह काम कर रहा है या मैनी वन की तरह काम कर रहा है। तो पहले मैंने आपको यहां पर चेक करके समझा दिया कि ये आपका वन वन की तरह ही काम कर रहा है। अब अगर वन वन की तरह काम कर रहा है तो अब आपको सारे स्टेप्स मालूम है कैसे लिखना है। कुछ बच्चे मुझसे ये बोलेंगे कि सर हम लोग को तो आपने इस तरीके से बताया है, लेकिन मैंने इस तरीके से तब बताया है जब आपके फंक्शन, जब आपके जो केस हैं वो डिवाइड नहीं थे, वो आपका एफ एक्स जो था वो सिंगल पूरा पूरा एक सिंगल एफ एक्स था, लेकिन यहाँ पर यहाँ जो एफ एक्स है ये डिवाइड हो रहा है, इवन ऑड में डिवाइड हो रहा है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले आप लोग ये चेक कर लीजिएगा कि ये जो फंक्शन है वो किस तरीके का बिहेव कर रहा है। इसी इसके लिए पहले आप लोग इस टाइप से बना के जरूर देख लीजिएगा और उसके बाद फिर अपना काम करिएगा। अब आपको पता है बिल्कुल सेम जैसे मैंने यहां पर बताया था, बिल्कुल सेम वैसा ही काम यहां करना है। एक्स वन अगर इवन है, एक्स टू इवन है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर इवन में अलग फंक्शन लिखा हुआ है और यहां पर इवन में अलग फंक्शन लिखा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से काम करना है, ये नहीं कि आपने मिक्स कर दिया क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन है वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन अप्रोच दोनों की सेम है। यहां पर एक्स वन इवन है, एक्स टू इवन है, तो एक्स वन प्लस वन एक्स टू प्लस वन, यहां सॉल्व करके आपने ये सॉल्व कर लिया तो ये आपका आ गया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया। बिल्कुल ऐसे ही इफ एक्स वन इज ऑड एक्स टू इज ऑड, तो यहां पर देखा आपने ऑड फंक्शन के लिए ये वाला लेंगे और आपने एक्स वन इक्वल टू एक्स टू निकाल दिया। बिल्कुल सेम एक अगर एक्स वन इवन है और एक्स टू ऑड है, तो आपने यहां पे चेक किया, यहां पर आपने देखा कि ये एक्स टू माइनस एक्स वन टू आ रहा है जो नहीं होगा, बिल्कुल सेम जैसे मैंने यहां समझाया है वैसे ही मैंने यहां समझाया है। बिल्कुल ऐसे ही अगर एक्स वन ऑड है एक्स टू इवन है तो ये भी बिल्कुल सेम होगा, केस थ्री और केस फोर में आपका कोई भी केस ऐसा अराइज नहीं हो रहा है, यानी कि अगर एक्स वन और एक्स टू इवन है
तो ही ये आपका वन वन की तरह काम कर रहा है। अगर एक्स वन ऑड है एक्स टू ऑड है तो भी वन वन की तरह काम कर रहा है, लेकिन अगर कोई एक्स वन इवन है और एक्स टू ऑड है तो ये जो है आपका केस काम नहीं करेगा। अगर एक्स वन ऑड है एक्स टू इवन है तो भी केस थ्री और केस फोर जैसे इस वाले में यहाँ पर काम नहीं कर रहे थे, डज नॉट अराइज, ये दोनों केस आपके नहीं आएंगे, ये दोनों केस आपके उठेंगे नहीं। अब ये तो आपका बात हो गई वन वन की, फिर आप क्या दिखाएंगे, ऑन टू दिखाएंगे, लेट वाई बिलोंग्स टू होल नंबर देयर एग्जिस्ट। बिल्कुल मैंने जैसे यहाँ समझाया है बिल्कुल वैसे ही यहाँ समझाया है। यहाँ पर वाई माइनस वन, अगर x इवन है तो y माइनस वन क्या होगा, वो भी इवन होना चाहिए। और y माइनस वन इवन कब होगा, जब y आपका मस्ट बी ऑड होगा, y मस्ट बी ऑड, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर x इवन है तो आपका y माइनस वन भी इवन होगा, और y माइनस वन आपका इवन तब होगा जब आपका y ऑड होगा, यहां समझाया गया है। अब आप खुद देख लीजिए कि y माइनस वन वाई प्लस वन ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जाहिर सी बात है कि ये सब जो हैं आपका जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वो नेचुरल नंबर ही बिलोंग करेगा। बिल्कुल ऐसे ही अब आपको क्या दिखाना पड़ेगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई दिखाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ एफ एक्स एक्स फर्स्ट केस में मैंने ये लिया है, वाई माइनस वन लिया है, क्योंकि एक्स क्या है, वाई माइनस वन है, और वाई माइनस वन क्या है आपका पहले केस में इवन है, तो वाई माइनस वन अगर इवन है तो हम लोग ये वाला फंक्शन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, y माइनस वन प्लस वन कर दिया और आपका y आ गया। बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों ने दूसरा केस किया, यहाँ पर क्या है y प्लस वन है और y प्लस वन क्या है आपका ऑड है, अगर ऑड है तो हम लोग किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, x माइनस वन का, तो यहाँ पे x माइनस वन कर दिया, सॉल्व किया, एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया, जो कि हम लोग हर एक केस में काम कर रहे हैं, ऑन टू फंक्शन में हम लोग हमेशा यही काम कर रहे हैं। और यहाँ से आपने दिखा दिया कि देयर फोर एफ इज ऑन टू, दस एफ इज वन वन ऑन टू। इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आप समझिएगा, मैंने सबसे पहले क्या काम किया है, पहले आपको एक इस टाइप से आपको मैंने करके समझाया है, डोमेन और को डोमेन को लेकर के मैंने आपको समझाया है कि ये आपका वन वन क्यों हुआ, ठीक है। और ऑन टू को तो समझाने की का तरीका आप सभी को मालूम है। ऑन टू में क्या होता है कि आपके कोई भी एलिमेंट को डोमेन के आपके कोई भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट छूट गए आपके को डोमेन के तो वो आपका इन टू हो जाएगा, वो आपका ऑन टू नहीं हुआ। तो इस बात को आपको बहुत ध्यान से काम करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर थ्री समझाता हूँ, इसीलिए मैंने ये तीनों क्वेश्चन आपको एक साथ लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या कह रहा है, लेट f maps n to n be defined by fn equal to n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even, find if the function is bijective। तो पहले तो हम लोग बिल्कुल जैसे हम लोगों ने सीखा है वैसे ही हम लोग काम करेंगे। मैंने आपको बताया कि इन तीनों केसों में मैंने पहले आपको यह बताया कि फंक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो पहले चेक करना है। तो यहाँ पे डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, और को डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो पहले मैं इस तरीके टाइप से बना के एक बार चेक करूंगा कि मेरा इसका फंक्शन का बिहेवियर कैसे आ रहा है। ये लिखा मैंने, अब देखिए ध्यान से, अगर मैंने रखा वन वन विच इज ऑड, अगर ऑड रखा तो वन प्लस वन टू बाई टू कितना आ रहा है, वन आ रहा है, यानी वन रखा तो मैंने क्या आया आंसर, वन आया। अब मैंने रखा टू टू विच इज इवन, तो टू बाई टू क्या आया, वन आया। अब आप खुद देखिए ध्यान से, जो अभी दोनों क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताए उसमें ऐसा नहीं हो रहा था, उसमें एक का हिसाब किताब एक से ही हो रहा था, तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे थे, वन वन बोल रहे थे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पहले आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि ये फंक्शन जो है किस तरीके का बिहेव कर रहा है। तो यहां पर आपने देखा कि वन रखा तो वन आया, यहां देखिए ध्यान से, वन रखा तो क्या आया, वन आया, टू रखा तो क्या आया, वन आया। अब खुद देख लीजिए, वन रखा तो वन आया, टू रखा तो वन आया, तो इसका मतलब है ये फंक्शन आपका वन वन ना होकर के क्या है, मैनी वन है। अगर कोई पूछेगा ये फंक्शन क्या है आपका, तो आप बोलेंगे ये फंक्शन आपका मैनी वन है। तो मैनी वन है तो पहली बात तो बाइजेक्टिव तो होगा ही नहीं है, क्योंकि बाइजेक्टिव आपका तभी होता है जब आपका वन वन ऑन टू होता है। तो जब आपका वन वन ही नहीं हो रहा है तो ये बाइजेक्टिव की तो बात करना आप छोड़ दीजिए कि बाइजेक्टिव तो ये होने से रहा, यानी कि ये फंक्शन जो है आपका इंजेक्टिव ना होकर के क्या है, मैनी वन है। अब मैं बात करता हूं आपको इसी क्वेश्चन में ऑन टू दिखाने की, यानी सर्जेक्टिव दिखाने की। तो सर्जेक्टिव के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, लेट वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट। अब यहां से आप एक्स की वैल्यू निकालिए,
एक्स है या एन निकाल लीजिए आप, ये आप वाई मान लीजिए, ये वाई मान लीजिए, ये एक्स मान लीजिए, तो आप यहां से एन की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 2y माइनस वन आएगा। और यहां पर दूसरे केस में क्या आएगा आपका, दूसरे केस में क्या आएगा आपका, 2y आएगा। तो 2y माइनस वन तो सभी को पता है कि ये y माइनस वन क्या होगा, ये तो ऑड है और ये आपका क्या है, इवन है, ठीक है। अब क्या काम करना है आपको, अब एफ एक्स इक्वल टू वाई दिखाना है। खैर आप सभी को पता है कि ये ऑड नंबर है पूरा और ये आपका इवन नंबर है, क्योंकि इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है, और इवन में अगर आप एक ऐड कर दें या एक सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका वो क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। तो ये तो पक्का हो गया कि ये जो n है ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, इतनी बात तो समझ में आ रही है कि ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। अब आपको क्या काम करना है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स की जगह आप y रख दीजिए। अब आप ध्यान से देखिए ये क्या है, 2y माइनस वन क्या है, आपका ऑड है, तो ऑड के लिए आपको पता है कि कौन से फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग, इस वाले फंक्शन का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखिए 2y माइनस वन प्लस वन अपॉन टू, तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है बच्चों, यहां पर आपका आ रहा है, ये तो आपका वन से वन कैंसिल होगा, ये आपका वाई आ रहा है, ठीक आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू वाई हो रहा है। दूसरे केस में देखिए, अनदर केस में देखिए एफ एक्स, अब की बार एक्स को क्या रखेंगे, टू वाई रखेंगे, टू वाई क्या है आपका, इवन है, अगर इवन है तो हम लोग क्या लिखते हैं, एन बाई टू लिखते हैं, तो टू वाई बाई टू लिखा, यहां पर भी क्या आ रहा है आपका, वाई आ रहा है, यानी कि ये जो फंक्शन है ये आपका ऑन टू तो हो रहा है, ये तो पक्का हो गया, देयरफोर एफ इज ऑन टू, देयरफोर एफ इज ऑन टू बट एफ इज नॉट वन वन, तो इसका मतलब है ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव तो नहीं होगा, लेकिन ये फंक्शन आपका मैनी वन ऑन टू होगा। तो बहुत ध्यान से इन तीनों क्वेश्चंस को आपको करना है। इन तीनों क्वेश्चंस को बताने का पर्पस यही था कि पहले आप लोग क्या काम करिए कि फंक्शन का जो अप्रोच है, फंक्शन का जो बिहेवियर है, वो आपको चेक करना है। आप इस तरीके से एक डायग्राम बना करके, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम बना करके आप चेक करिए कि ये फंक्शन का बिहेवियर किस तरीके का है। अगर कोई फंक्शन आपका वन वन नहीं है तो इसका मतलब है वो मैनी वन की तरह काम कर रहा होगा, और अगर कोई फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब है वो आपका इन टू फंक्शन होगा। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद हमें अपनी अप्रोच को इस्तेमाल करना है। थैंक यू वेरी मच।